उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में बढ़ते आंकड़ों के बीच बुधवार को 379 संक्रमित मिले। इससे पहले दूसरी लहर के दौरान 300 से अधिक मरीज अप्रैल में मिले थे। फिलहाल प्रयागराज में एक्टिव केस की संख्या 1546 पहुंच गई है। माघ मेले में भी कोविड-19 का एक प्रकार से बम फूटा है। माघ मेले में एक दिन के कोरोना की जाँच में 38 संक्रमित मिले हैं। इन संक्रमित लोगों में 24 PSC के और 14 पुलिस के जवान हैं। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हो रही है। गुरुवार को यूपी में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,000 से भी ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं इस अवधि में 1,070 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस तरह प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 71,000 के पार पहुंच गई है। सूबे में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 1.87% हो गई है। वहीं रिकवरी रेट घटकर 94.7% पर आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी दलों में भगदड़ सी मची हुई है। नेता अपने दल को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। यहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व गृह मंत्री सईदुज्जमा के बेटे सलमान सईद गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। वेस्ट यूपी के पुराने कांग्रेस नेताओं में शुमार पूर्व मंत्री सईदुज्जमा के बेटे सलमान सईद को बसपा ने मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। 2016 के उपचुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर सदर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी चुनाव की घोषणा के बाद से प्रदेश की राजनीति में लगातार भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक नुकसान में अभी तक भारतीय जनता पार्टी चल रही है। गुरुवार को भाजपा के एक अन्य विधायक विनय शाक्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे भाजपा छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं। भाजपा को 2 दिनों में 7 विधायकों ने झटका दिया है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इत्र कारोबारियों के घर छापेमारी के बाद भरदोई की शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बरुआ बाजार में नूरी तंबाकू वाले के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। कई घंटे से आयकर विभाग के अधिकारी घर के अंदर तलाशी अभियान चलाने में जुटे हैं। छापेमारी की सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहां से हटाया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे आयकर विभाग की टीम शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बरुआ बाजार में नूरी तंबाकू बनाने वाले शान मोहम्मद की फैक्ट्री, घर और गोदामों में एक साथ पहुंची थी।